दोस्तों एक साल रूल करने के बाद यूएई की ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में ऑफिशियल ब्रांड की तरफ से आया हुआ स्मार्टफोन जिसने रूल किया था प्राइसिंग के हिसाब से रेडमी नोट 11, उसका सक्सेसर यूएई में ऑफिशियली लॉन्च हो गया रेडमी नोट 12। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जिस प्राइस में ये आ रहा था रेडमी नोट 11, उस प्राइस में बेट करना बहुत ही मुश्किल था। अब उसी को सक्सेसर में इंक्लूड कर दिया गया, कुछ फीचर नोट 12 4G के नाम से उतार दिया गया है यूएई की मार्केट में ऑफिशियली। मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का ही बाय कीजिए, ऑफिशियल यूएई वर्जन बाय किया कीजिए। दुबई में चाइनीज वर्जन भी बिकता है, दुबई में यहां पर इंडियन वर्जन भी बिकता है, तो बेटर आपके लिए है। बेटर क्वालिटी जो होती है वो ग्लोबल वर्जन में होती है, यूएई वर्जन में होती है, तो यूएई वर्जन बाय किया कीजिए। दो डिवाइसेस ये आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे और रेडमी नोट 12 प्रो 5G भी आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे। प्राइसिंग दोस्तों काफी कमाल की है। मैंने 5G तो टेस्ट नहीं किया है, उसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 4G ये रेडमी नोट 12 मैं कहूंगा ये भी एक साल रूल करने वाला है लोकल मार्केट में, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में हर जगह में अवेलेबल है। बाकी डिवाइस की डिटेल करते हैं आगे। जनता लाइक बनता लाल काला क्यों नहीं करते, कमाल अनबॉक्सिंग के लिए सलीम बाबा को लाल काला बनता मच्छर। डिजाइनिंग दोस्तों काफी कूल दी गई है और आजकल Redmi Note सीरीज जो है वो डिजाइनिंग और डिस्प्ले में काफी कमाल काम कर रहा है Redmi Note 11 से। डिस्प्ले देखिए आप, कलर देखिए आप, और इस बार फ्लैट रखा गया, इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा रखा गया है Redmi Note 11 से। स्क्रीन का साइज में अपर किया गया है, काफी फ्लैट लगता है और काफी परफेक्ट लगता है ये थोड़ा सा बड़ा। एंड दोस्तों कलर नेचुरल काफी कमाल के हैं, बेजल नीचे की साइड में थोड़े से फील हो रहे हैं, बाकी साइडों में फील नहीं हो रहे, और नीचे के थोड़े बेजल और कम होते तो क्या बात होती, लेकिन प्राइस को देखते हुए हम एडजस्ट कर लेते हैं। डिवाइस की तरफ बाद में बढ़ते हैं, बॉक्स कंटेंट को भी एक बार देख ले दोस्तों। Redmi by Xiaomi, इसके अंदर मिलेगा आपको यहाँ पर वही टिपिकल का एक सिलिकन का केस, और ग्लोबल वर्जन है तो बहुत सारे पेपर वर्क, आपकी डिवाइस जो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दी है। एंड उसके बाद दोस्तों अडैप्टर यहाँ पर 33 वॉट्स का दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स यूएसबी ए वाला है, यूएसबी सी टू ए वाली एक केबल, यही था बॉक्स कंटेंट। वॉच भी दोस्तों यहाँ पर लॉन्च की गई है Xiaomi की तरफ से, Redmi Watch 3 ब्लूटूथ फोन कॉल, एंड यहाँ पर उसके डिटेल्स लिखे गए। एमुलेट अब बेसिक हो गया, एमुलेट हर जगह में आ रहा है, डिटेल करेंगे इसको बाद में। डिवाइस को करीब लेके आते हैं, दूर से तो काफी प्रीमियम लगती है, ठीक है पीछे पॉलीकार्बोनेट है लेकिन वो तो छूने से, लेकिन ऐसे व्यू वाइज काफी प्रीमियम डिवाइस ये दूर से नजर आती है। ये इसका जो कौन सा कलर है हमारे पास, ये जो कलर है आइस ब्लू कलर, काफी कूल लगता है, काफी अच्छा लगता है। सिम ट्रे जो है वो होने वाली है डेडिकेटेड, तीनों चीजें एक टाइम पे लगा सकते हैं, क्या बात है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन में यहां पर आ रही होगी, जो कमी Redmi Note 11 4G में रखी गई थी वो उस कमी को एटलीस्ट यहां पर पूरा कर दिया गया Redmi Note 12 4G में। यहां पर स्क्रीन साइज तो बड़ी मिल ही रही है, और दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी कर दिया गया है, जबकि हमें 190 हर्ट्ज ओनली का रिफ्रेश रेट मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों निट्स पीक यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी इस बार थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, तो स्क्रीन का साइज ब्राइटनेस एंड दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा सा माइनर सा मैं कहूँगा अपग्रेड किया गया है। ओवरऑल ये पैकेज दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से किलर है, न सिर्फ Redmi Note 12 Redmi Note 11 आज तक ज्ञान के इसके लॉन्च होने से पहले भी रिकमेंडेड था, अब दोस्तों Redmi Note 12 रिकमेंड हो जाएगा। ये प्राइसिंग में Xiaomi को कोई बीट ही नहीं कर सकता है, जो फीचर इस प्राइसिंग में Xiaomi दे रहा है वो मार्केट में और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। एंड दोस्तों अब इसकी कुछ कैमरे की बात करते हैं, आप इसके कैमरा शॉट्स देखाइए उसके बाद बात करते हैं। डिस्प्ले की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों, Redmi Note सीरीज अब डिस्प्ले में काफी अच्छा काम कर रही है मैं कहूंगा।
और कैमरा पंच होल भी बहुत छोटा है, पर नीचे के बदल थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। सिंगल स्पीकर दोस्तों, सिर्फ सिंगल स्पीकर नीचे की साइड में, कोई स्पीकर ऊपर नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन दोस्तों यहां पर 13 है और MIUI वर्जन 14 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, अच्छी बात है। रैम भी दोस्तों 8GB से आप 3GB एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाईलाइटेड फीचर जो है वो डिस्प्ले प्राइसिंग के हिसाब से, एंड उसके बाद Xiaomi Redmi Note सीरीज का जो बैटरी बैकअप होता है वो हम सब जानते ही हैं। उसके बाद जो प्रोसेसर भी मैं कहूँगा इट्स अ डिसेंट इनफ इस प्राइस रेंज में, ये एक कंप्लीट पैकेजिंग के हिसाब से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके बाय कर सकते हैं, ऑल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में ये अवेलेबल है। वीडियो देखने बहुत शुक्रिया। जनता लाइक बनता लाल काला बनता।